हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। होप सो कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो आज जी मैं आपके लिए लाई हूँ एक अनबॉक्सिंग, जिसमें मैंने एक ड्रेस कुछ दिन पहले ऑर्डर किया था, जो कि मैंने आयशा बी ऑफिशियल से ऑर्डर किया था, जो कि एक इंस्टाग्राम पे पेज है जहाँ पे डिफरेंट किस्म के ड्रेसेस होते हैं। मे बी आप लोग सब या कुछ लोग इस बारे में जानते होंगे। तो मैंने ये ऑर्डर किया था, मेरे ख़्याल से 10 दिन हो गए हैं मुझे रिसीव हुए, मगर मैं लाहौर में नहीं थी तो मैं इसकी अनबॉक्सिंग नहीं कर सकी। मेरा आपसे एक मशवरा है कि जब भी आप कोई ड्रेस लें उसकी वीडियो लाजमी बना लें, ताकि अगर वो चीज़ वैसी ना निकले या कोई मसला हो तो वो आप उनको भेज सकें वापस। अब ये मैंने मंगवाया था आयशा बी से ये प्रोडक्ट, जिसमें ये देखें 3 पीस पिंक ब्लैक एम्ब्रॉयड्री मीडियम था, ठीक है। उसके अलावा इनका जो था ये मुझे 3500 का था, लेकिन 3700 का मुझे डिलीवरी चार्जेस मिला के पड़ा है। और इसके अलावा मैं आपके सामने ही इसको ओपन करूँगी, देखते हैं कैसा ड्रेस है। चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं अब इसकी अनबॉक्सिंग। अगर आपको कभी भी ये जो इनकी तरफ से डिलीवरी आए या किसी की तरफ से भी आए, और अगर आपको ये ओपन मिले तो आप कभी भी उसको मत लीजिएगा, उसको वापस रिटर्न कर दिएगा ताकि कोई मसला ना हो। बिस्मिल्लाह रहमान। ओके तो जी ये सूट है, ये वो ड्रेस है जो मैंने ऑर्डर किया था। अब इसको मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है, इसकी लुक कैसी है, टोटल देखते हैं। जी मैं आपके सामने ओपन कर रही हूँ, देखते हैं ये कैसा निकलता है। लग तो मुझे बहुत अच्छा रहा है, ये कलर मेरा फेवरेट है। अच्छा जी, तो इसका स्टफ़ भी बहुत अच्छा है, जो उन्होंने मेंशन किया हुआ था एज इट इज़ वैसा ही स्टफ़ है। इस पर काम बहुत अच्छा हुआ हुआ है, एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी है। उसके अलावा जी इसकी स्लीव्स पर भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और ये देखें आगे से कर्व्स जैसे ओपन कफ हैं, अमूमन टाइट हो जाते हैं आगे से, लेकिन इन्होंने आगे बटन्स लगाए हैं ताकि वो ईजी होंगे पहनने के लिए, लेकिन इसकी स्लीव्स बहुत खूबसूरत हैं। ये देखिए जी, ये इसका दुपट्टा है, और जिसके साइड पे इन्होंने बेल लगाई हुई है, और ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और इनका ट्राउज़र, ट्राउज़र भी देखें, इनके ट्राउज़र के भी एंड में बिल्कुल बेल लगी हुई है, और लूज़ सा होगा क्योंकि जाहिर सी बात है नमाज़ पढ़नी होती है, तो उसके लिए आपको अगर आप कहीं जाते हो और आप ये ड्रेस पहन रहे हो तो ज़रूरी है कि थोड़ा लूज़ हो ताकि आप आराम से नमाज़ पढ़ सको। उसके अलावा ये स्टफ़ अच्छा है, आप पहन सकते हो ये मौसम में। उसके अलावा मैं आपको अब ये पूरा हैंग करके दिखाती हूँ, ताकि आप इसको एक पूरी लुक अच्छे से देख सको कि ये कैसा ये है। देखें जी, मैंने अब हैंग कर लिया है ये ड्रेस, और ये इसकी पूरी लुक है। ये काफ़ी अच्छा है ड्रेस, मगर इसमें एक मसला है कि ये एक तो सी थ्रू है ऊपर से। अगर आप में पेशेंस है, मैंने इनको ऑर्डर किया था और इनका टाइम है कि ये 4 से 6 दिन में भेज देंगे, मगर उसके बावजूद भी इन्होंने 10 से 15 दिन लिए थे मुझे ड्रेस भेजने में। तो अगर आप में इतनी पेशेंस है तो आप काइंडली तब बाय करना, या तो अगर आपको कोई इवेंट वगैरह है तो आप कम से कम महीना पहले ऑर्डर करना तो ये बेहतर और होगा। ये बेबी पिंक कलर का ड्रेस है आई थिंक, सो ये लाइट में अभी इतना नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये बेबी पिंक है। मैं साथ इसकी पिक्चर अटैच कर दूँगी और उनकी वेबसाइट भी अटैच कर दूँगी, या आप इसके स्लीव्स पर काम देख सकते हो। इनकी स्लीव्स इस तरह से अच्छी हैं कि पहनकर कम से कम स्लीव्स के नीचे कुछ बाजू नज़र नहीं आएंगे, लेकिन बाकी थोड़ा सा मसला है। ये देखें, तो बाकी आप लोग देख लीजिएगा खुद इनका, और ये काफ़ी बेहतरीन सा काम हुआ हुआ है। मगर बस यही थोड़े से मसले थे जो मैंने बता दिया आपको, आप इसका ख्याल रखिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक तो साइज़ का ख्याल बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप लें, रिसीव करें, तो उस पर अपना साइज़ लाजमी देख लें कि वो मीडियम है, लार्ज है, या जो भी साइज़ आपने लिया है वो है कि नहीं है। और दूसरी बात मैंने आपको बता दी है कि पेशेंट से काम लेना है तो आपको पहले ऑर्डर करना पड़ेगा, ताकि आपको वक्त पे ये ड्रेस मिल सके।
चलिए जी, आज की मेरी वीडियो होती है इधर ख़त्म। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया होगा। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, और जो मैंने आपको बातें बताई हैं उनका ख़ास ख्याल रखिएगा। उसके अलावा मेरे साथ इस तरह के मज़ीद रिव्यूज़ के लिए, स्किन केयर के लिए, होम रेमेडीज़ के लिए मेरे अगली वीडियो का ज़रूर इंतज़ार करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा मेरी तरफ़।